हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ काला बटाना रेसिपी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। अभी मैंने इसमें डाल रही हूँ लंबे लंबे कटे हुए दो बड़े अनियन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 हम ग्रीन चिली डालेंगे और 7 से 8 डालेंगे हम लहसुन की कली। और मैंने यहाँ पे फ्रेश कद्दूकस किया हुआ कोकोनट यूज़ किया है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्सी में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के बाद में हम इसको पीस लेंगे। चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ एक पैन में ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाला है क्यूमन सीड्स, हींग पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए अनियन। अनियन को मैं अच्छे से भून लूंगी। यहाँ पे मैंने काला बटाना पहले से सॉल्ट डाल के बॉईल करके रखा हुआ है। अनियन जब भून जाएगा तो मैं उसमें डाल रही हूँ टमाटो, जो कि मैंने यहाँ 2 टमाटो यूज़ किया है छोटे छोटे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट, टमाटो सॉफ्ट हो जाए जब तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने यहाँ डाला है नमक, हल्दी, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मसाला अच्छे से भुन जाएगा और जलेगा नहीं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो मैं इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है टमाटो। तो मैंने इसमें काला बटाना डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था कोकोनट और प्याज का, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको अच्छे से चलाएंगे और ढककर कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। एक बार उसको खोल कर चलाएंगे हम, अगेन उसको हम ढक देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें चलाते रहना है उसको। तो मैंने एक बार और इसको ढका है। अब आप देख सकते हैं इसे अच्छे से बॉयल हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो लीजिए, तैयार है काला बटाना रेसिपी। कैसी लगी आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको आप चावल के साथ, चपाती, पराठा, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू सो मच।